हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस आज हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास आठ के सामाजिक विज्ञान में पाठ दो का प्रश्न उत्तर देखते हैं पार्ट का नाम है ब्रिटिश प्रशासन नीतियां और प्रभाव इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो नीचे दिए गए लाल कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा आइए हम लोग जो है कि दूसरा पार्ट का प्रश्न उत्तर देख लेते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने पहला पार्ट का प्रश्न उत्तर नहीं देखा है तो यहाँ कोने पर जो है कि लिंक आएगा आप लोग इस पर क्लिक करिएगा तो जो है कि आपको तुरंत पहले पाठ के प्रश्न उत्तर पर लेकर चला जाएगा आप तो लोग वहाँ जाकर पहले पाठ का प्रश्न उत्तर जो है कि आसानी से देख सकते हैं आइए हम लोग जो है कि दूसरे पार्ट का प्रश्न उत्तर देखते हैं दूसरा पार्ट का प्रश्न प्रश्न उत्तर है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए इसमें पहला प्रश्न है ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था इसमें क है सत्तर सौ पचास ईस्वी ख है सत्तर सौ तिहत्तर ईस्वी ग है अठारह सौ सत्तावन ईस्वी घ है उन्नीस सौ चालीस ईस्वी हमारा जो सही इसमें कौन सा सत्तर सौ तिहत्तर ईस्वी ख सही है इसका हम उत्तर यहाँ लिख दिए हैं सत्तर सौ तिहत्तर ईस्वी में हम लोग प्रश्न दूसरा देख लेते हैं एशियाटिक सोसाइटी आप बंगाल की स्थापना कब हुई थी इसमें क दिया हुआ है सत्रह सौ चौरासी ईस्वी ख दिया सत्रह सौ नब्बे ईस्वी में ग दिया हुआ 1801 सौ एक ईस्वी में घ दिया है जो है कि उन्नीस सौ एक ईस्वी में हमारा जो इसमें सही है कौन सा सत्रह सौ चौरासी इसमें हमारा क सही है सत्रह सौ चौरासी ईस्वी हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न तीसरा इसमें वैकल्पिक में सन सत्रह सौ तिरान ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी क विलियम पीट के द्वारा ख रॉबर्ट क्लाइब के द्वारा ग वारेन के द्वारा घ लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा हमारा जो सही इसमें घ लार्ड कार्नवालिस द्वारा यहाँ हम इसका उत्तर दे दिए हैं आप लोग देख सकते हैं आइए हम अपना चौथा देख लेते हैं सन 1813 में कौन सा एक्ट पारित किया गया क चार्टर एक्ट को? पीट इंडिया एक्ट ग रेगुलेटिंग एक्ट घ सिविल सर्विस एक्ट हमारा जो सही इसमें चार्टर एक्ट यहाँ इसका उत्तर है तो इसमें इस कौन सा सही क हमारा सही है चार्टर एक्ट हम लोग प्रश्न दूसरा देख लेते हैं इसमें प्रश्न दूसरा अधिक स्थानों की पूर्ति कीजिए इसमें दूसरे में पहला प्रश्न है क्लाइव ने निजामत का कार्य खाली स्थान पर छोड़ दिया था हमारा जो कि इस खाली स्थान क्या भरेगा बंगाल के नवाब इस खाली स्थान में हम लोग भरेंगे बंगाल के नवाब यहाँ हम लोग बीच में जो कि बड़ बगल में जो कि हम इसका उत्तर दे दिए हैं आइए हम प्रश्न दूसरा दे लेते हैं सन सत्तर ईस्वी में खाली स्थान बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था तो हमारा जो है कि इस खाली खालिस्थान क्या भरेगा वारेन हेंस्टिंग खाली स्थान क्या भरेगा वारेन हेंस्टिंग हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं भारत में सिविल सर्विस की स्थापना खाली स्थान ने की थी तो हमारे इस खाली स्थान क्या भरेगा लॉर्ड कार्नवालिस इस खाली स्थान क्या भरेगा यहाँ लॉर्ड कार्नवालिस दे दिए उत्तर हम लोग प्रश्न चौथा देख लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम खाली और बम्बई में शुरू की गई हमारे इस खाली में क्या भरेगा चेन्नई भराएगा, चेन भराएगा। यहाँ उत्तर क्या है चेन्नई है हम लोग प्रश्न पाँचवा देख लेते हैं आधुनिक डाक तार व्यवस्था को ने खाली शुरू किया था कौन सा शुरू किया था हमारा डल ने शुरू किया था इसमें क्या भराएगा डल हौजी भरा जाएगा हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अति लघुतरी प्रश्न है आइए हम लोग इसको देख लेते हैं इसमें पहला प्रश्न है भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था तो हम पहले ही बता दिए थे आइए हम लोग देख लो तो भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा जमींदारों को नियुक्त किया गया था किसे नियुक्त किया गया था जमींदारों को नियुक्त किया गया था हम लोग प्रश्न दूसरा देख लेते हैं कार्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है कार्नवालिस संहिता पुस्तक में कार्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को संग्रहित किया गया है हमारा पुस्तक कौन सा है कार्नवालिस संहिता हम लोग पैसा देख लेते हैं किसान का भूमि पर अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं किसान का भूमि पर अधिकार महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया कौन सा व्यवस्था था महालवाड़ी व्यवस्था था हम लोग आगे देख लेते हैं लघु उत्तरी प्रश्न इसमें पहला है दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा हम लोग उत्तर देख लेते हैं दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा बंगाल के नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व तो था परंतु उसके पास न तो शक्ति थी और न ही राज्य को चलाने के लिए धन था कंपनी के पास सेना और कोष दोनों थे किंतु शासन और सुरक्षा के प्रति उसकी जिम्मेवारी नहीं थी जिससे बंगाल की जनता को अपार कष्ट में डाल दिया हम लोग प्रश्न दूसरा देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे हम लोग उत्तर देख लेते हैं उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख रूप से दो उद्देश्य थे कितने उद्देश्य थे हमारा दो उद्देश्य था पहला कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना दूसरा भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण निराकरण करना मतलब उसको हल करना प्रश्न तीसरा देख लेते हैं पीट इंडिया एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या थी हम लोग उत्तर देख लेते हैं पीट इंडिया एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को एकाधिक नियंत्रण का अधिकार दे दिया था इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के आक्रामक युद्धों को नियंत्रण कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल एक शासक की भूमिका में आ गया था इस एक्ट में कहा गया कि भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा सम्मान और नीति के विरुद्ध है हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं इसमें पहला ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा समझाइए हम लोग उत्तर देख लेते हैं ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योग पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा भारत में अंग्रेजी कंपनी की आर्थिक नीतियों के कारण व्यापार वाणिज्य उद्योग धंधे तथा भू राजस्व प्रणाली और कृषि व्यवस्था में अनेक बदलाव आए थे अंग्रेज़ों ने अपने हितों में तो जो नीतियाँ अपनाई थी उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा चमरा गया क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था तो अंग्रेज भारत आए भी इसीलिए थे क्या करने के लिए अधिक से अधिक यहाँ पे व्यापार करके अधिक से अधिक क्या करें लाभ कमाएँ बाद में आकर जो है कि भारत की राजनीति में हस्तक्षेप देने लगे और यहाँ पर क्या कर लिए अपना अधिकार कर लिए हम लोग प्रश्न दूसरा देख लेते हैं अस्थायी बंदोबस्त से क्या तात्पर्य है उसके क्या दुष्परिणाम हुए हम लोग उत्तर तो देख लेते हैं अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में किसान को भूस्वामी मान लिया गया भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया इस व्यवस्था में क्या किया गया जो किसान था उसको उस भूमि का क्या मान लिया गया मालिक मान लिया गया उस पर जो कि वंशानुगत अधिकार हो गया उसका चेन्नई और मुंबई के क्षेत्र में रियायत वाड़ी व्यवस्था लागू की गई चेन्नई और मुंबई में कौन सा व्यवस्था लागू कर दिया गया रियायतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दिया गया इसमें भूमि जोतने वालों को भूस्वामी माना गया इनसे कंपनी सीधे कर लेती थी लगान न देने पर किसानों को भूमि पर से अधिकार समाप्त कर दिया जाता था इस व्यवस्था से कृषि का उत्पादन बहुत घट गया किसानों पर अत्याचार बढ़ गए किंतु सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि हुई इससे भारतीय की परंपरागत लघु उद्योग बर्बाद हो गए इसके कारण क्या हो? जो भारत के पारंपरिक छोटे छोटे उद्योग थे जैसे बर्तन बनाना डलिया बिनना सब क्या हो गए धीरे धीरे समाप्त हो गए हम लोग तीसरा देखते हैं अठारहवीं सदी में भारतीय समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ व्याप्त थी एवं सरकार द्वारा उनके सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए हम लोग उत्तर देख लेते हैं अठारहवीं सदी में, में भारतीय समाज में बहुत सी कुतियाँ व्याप्त थीं इसमें कन्यावध की कुप्रथा भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी इसमें क्या किया जाता जो कन्या का जन्म होता था उन्हें क्या कर दिया था मार दिया जाता था इस कुप्रथा में कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था इस कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अनेक कानून का निर्माण किया भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी पर्दा प्रथा बाल विवाह सती प्रथा स्त्री शिक्षा आदि के कार स्त्रियों की स्थिति सोचनी होती गई देखिए उस समय जो कि बाल विवाह बच्चों का विवाह पहले कर दिया जाता था पर्दा प्रथा भी बहुत प्रचलित था सती प्रथा पति के मर जाने पर उसको जिंदा जला दिया था स्त्री को शिक्षा की व्यवस्था नहीं था ये सब बहुत सी कुरतियाँ थीं सरकार ने सन अठारह में एक कानून द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई देखिए कब लगाया गया सती प्रथा पर अठारह सौ द्वारा लार्ड विलियम वेटिंग ने कानून बनाया था समाज में दास प्रथा के रूप में अन्य कृतियाँ पनप रही थी गरीबों के कार लोग अपने बच्चों को बेचने पर विवश थे इस समय उतना गरीबी था कि लोग क्या करते थे अपने बच्चे को बेच देते थे सरकार ने सन अठारह में कानून बनाकर का दास प्रथा पर रोक लगाई देखिए किस प्रथा दास प्रथा पर रोक कब लगाया गया अठारह सौ तिरालीस ईस्वी में हम लोग चौथा देख लेते हैं ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए गए और उसके क्या परिणाम हुए हम लोग उत्तर देख लेते हैं ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्तर पर शुरुआत की गई कुछ भारतीयों ने इस प्रयास में उनका सहयोग भी किया सन सत्रह में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई इसमें गरीब अरबी और, और फारसी की शिक्षा दी जाती थी जो कलकत्ता में मदरसा का स्थापना किया गया उसमें कौन सी भाषा में शिक्षा दी जाती थी अरबी और फारसी भाषा में शिक्षा दिया जाता था इसी क्रम में सन सत्रह सौ चौरासी ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए सन सत्रह सौ इक्यान में वाराणसी में हिंदू विधि और दर्शन के लिए संस्कृति कॉलेज की स्थापना की गई हम लोग आगे देख लेते हैं इसी तरह सन अठारह सौ में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई सरकार द्वारा खोले गए कुछ स्कूलों में अंग्रेजियों को अंग्रेजी में क्या क्या शिक्षा दिया जाता था धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार भारत में बढ़ता गया अंग्रेजी के संपर्क में आने से भारतीय आधुनिक शिक्षा ज्ञान विज्ञान स्वतंत्रता समानता जनतंत्र राष्ट्रीयता विशिष्ट क्रांति और आधुनिक विचारों के संपर्क में आने से उनके अंदर क्या हो गया जागृति पैदा हो गई प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा पूरा अभ्यास का खत्म होगा आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग किस जिले से हैं जय हिंद जय भारत